नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। परिवहन विभाग के राजस्व में 14% की बढ़ोतरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार के 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। सक्षमता परीक्षा कक्षा 9वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बढ़ी आवेदन तिथि। IPL 2024 में लखनऊ टीम ने शानदार प्रदर्शन से RCB को दी मात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। परिवहन विभाग के राजस्व में 14% की बढ़ोतरी। परिवहन विभाग के राजस्व में पिछले साल की तुलना में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन विभाग ने साल 2023-24 में 3,351 रुपए के राजस्व की वसूली की है। इस साल ये 2,935 करोड़ रुपए था। बताया जाता है कि परिवहन विभाग की ओर से साल 2023 और 24 में लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ उससे अधिक की राजस्व वसूली हुई है। पिछले साल की तुलना में राजस्व वसूली में 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मालूम हो कि सड़क सुरक्षा के नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाता है और इस कारण विभाग की ओर से राशि संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सक्षमता परीक्षा कक्षा 9वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा कक्षा 9वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। मालूम हो कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 का भी परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है और इसे अभ्यर्थी www.basebsakshamta.com/login पर चेक कर सकते हैं। इस पेज पर दिए गए लिंक के जरिए उम्मीदवार डायरेक्ट अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर BSEB ने परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया है। शिक्षक के द्वारा अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि डालकर परीक्षा फल को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि कक्षा 9वीं और 10वीं में 98% परीक्षार्थी पास हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार के 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार के 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन वापसी के बाद 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा गया लोकसभा सीट से 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं। मालूम हो कि पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीट जमुई, नवादा और औरंगाबाद में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट को जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि गया, औरंगाबाद और जमुई में सीधा मुकाबला NDA और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच हो सकता है। वहीं चर्चा हो रही है कि नवादा में निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह NDA और महागठबंधन दोनों का ही खेल बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 6,000 से अधिक स्कूलों में विद्यार्थी पास। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में राज्य के 6,765 स्कूलों में एक भी छात्र या छात्रा फेल नहीं हुए हैं। यहां सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं और रिजल्ट 100% रहा है। इनकी संख्या करीब 6,60,000 है। सभी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इधर राज्य के 2,565 स्कूलों में 80% छात्रों को 90% से अधिक अंक मिले हैं। साल 2024 की मैट्रिक परीक्षा में 9,276 स्कूलों के 16,64,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। पटना, भागलपुर, गोपालगंज, गया, रोहतास, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सिवान, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में ऐसे स्कूलों की संख्या अधिक है जहां का रिजल्ट 100% रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ी विमानों की उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान पहले के मुकाबले बढ़ी है। धीरे धीरे यहाँ परिचालन सामान्य होते हुए नजर आ रहा है। 2 उड़ानें बढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल अयोध्या और कोलकाता जैसे रूट पर विमान की सेवा स्थगित है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में 6 की जगह 10 फ्लाइट का परिचालन किया जा रहा है। इसका असर सफर करने वाले लोगों की संख्या पर भी पड़ रहा है। पहले की तुलना में पैसेंजरों की संख्या में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 1,000 से बढ़कर यहां यात्रियों की संख्या 1,500 से अधिक हो चुकी है। दरभंगा एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद रूट पर सर्विस अवेलेबल है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बढ़ी आवेदन तिथि। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। इसे 1 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। वहीं इससे पहले शिक्षकों के द्वारा ही इसे बढ़ाने की मांग सामने रखी गई थी। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6,061 पद पर
नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति ली जा रही है। प्रधान अध्यापकों के लिए करीब 20,000 लोगों ने अप्लाई किया। वहीं आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी www.bpsc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में नागरिकता छुपाने पर मुखिया के खिलाफ हुई कार्रवाई। बिहार में नागरिकता छुपाने पर मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीतामढ़ी में एक मुखिया को अपनी नागरिकता छुपाना काफी भारी पड़ गया। आरोप सही पाए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दिया है। नेपाल का नागरिक होने के बावजूद ये सीतामढ़ी में मुखिया के पद पे कार्यरत थे। इनकी कुर्सी छिन गई है और साथ ही जिलाधिकारी ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। साल 2021 में इन्होंने मुखिया का चुनाव जीता था और इस दौरान उनके पास नेपाल की नागरिकता थी। हालांकि बाद में मुखिया ने नेपाल की नागरिकता को त्याग दिया था। बिहार के कई शिक्षकों की बढ़ेगी सैलरी। बिहार में कई शिक्षकों की सैलरी को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मियों को 5वां और 6वां वेतनमान देने का निर्णय लिया है और इसके बाद शिक्षकों और कर्मियों के सैलरी में इजाफा हो जाएगा। 1 जुलाई 2023 को शिक्षा विभाग के निर्णय के आलोक में इन्हें ये लाभ दिया जाएगा। मदरसा के साथ ही संस्कृत महाविद्यालयों के लिए 21 अरब से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों के साथ ही कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को कैंसर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लग रहा है कि लोगों को बताने का समय आ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार रहेगा और सदैव इनके लिए समर्पित रहूंगा। मालूम हो कि सुशील मोदी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा सहित सभी 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। बिहार बीजेपी में एक और नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार बीजेपी में एक और नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं अब भाजपा के बागी नेता सबगा चीनी मिल के MD दीपक यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर से भाजपा के प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर दीपक यादव नाराज चल रहे थे। वहीं वो जल्द ही राजद का दामन थाम सकते हैं। दीपक यादव ने खुद इस बात का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि 7 अप्रैल को तेजस्वी यादव चंपारण की धरती से चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जमुई दौरे से पहले डिप्टी सीएम सहित चिराग पासवान ने लिया तैयारी का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई दौरे से पहले दोनों डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित चिराग पासवान ने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी जमुई के खैरा प्रखंड स्थित बल्लोपुर नरियाना पुल के पास रैली को संबोधित करने वाले और यहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरुण भारती है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से यहां पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेलीपैड, मंच, दर्शक दीघा व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और साथ ही यहाँ पर मौजूद पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बांका से राजद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने भरा पर्चा। बांका से राजद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया है। मालूम हो कि बांका में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। RJD के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और उसके बाद उन्होंने जीत का दावा किया है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता बांका पहुंचे, साथ ही नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होकर उम्मीदवार का हौसला बढ़ाया। राजद से जमुई लोकसभा के प्रत्याशी अर्चना रविदास और झारखंड से गोड्डा के पूर्व सांसद संजय यादव भी नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बांका पहुंचे। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर कसा तंज, कहा सरकार में उन्होंने नहीं बनाई एक भी नीति। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने शासनकाल में 15 सालों तक एक भी पॉलिसी नहीं लेकर आए। वो ये भी नहीं जानते कि पॉलिसी होती क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने RJD राज की कोई भी पॉलिसी को बंद नहीं किया है।
लालू यादव के सारण जिले के हरिहर नाथ मंदिर की यात्रा पर भी सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर है, इस कारण ही वो भगवान की शरण में गए, उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। डिप्टी सीएम ने लालू यादव के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए कहा है कि चुनाव में उनकी हार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बूथ स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी को उनके बूथ स्तर पर 10% वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य दिया। उसका मकसद है कि 40 के 40 लोकसभा सीट पर बिहार में एनडीए की जीत हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्हें हर जगह प्रचार करने के लिए नहीं जाना है, बल्कि अपने अपने बूथ पर ध्यान देना है। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों की सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। कुछ नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारा था। आईपीएल 2024 में लखनऊ टीम ने शानदार प्रदर्शन से आरसीबी को दी मात। आईपीएल 2024 में लखनऊ टीम ने शानदार प्रदर्शन से आरसीबी को हरा दिया। आईपीएल 2024 के 15वें मुकाबले में लखनऊ की टीम ने आरसीबी को 28 रनों से हरा दिया। बल्लेबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ही गेंदबाजों ने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। मयंक यादव ने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने 14 रन खर्च करते हुए 3 बड़े विकेट लिए हैं। इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को आउट कर दिया। मयंक यादव ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। इन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंका था और उसके बाद इन्होंने अब 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंका है। आपके अनुसार क्या मयंक यादव आईपीएल 2024 में शॉन टट का 157.7 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, कौसलिंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद शकीर हुसैन, आकाश कुमार, अरवर करीम खान, आलोक कुमार, रिंकी कुमारी, मुकेश शाह, राकेश मिश्रा, शाहिद हुसैन, उमेश श्रीदेव, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमुई आगमन से क्या आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।